हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी कंपनी के बारे में जो वायर्स एज वेल एज केबल्स के बिजनेस के अंदर बहुत ही बड़ा टॉप जाइंट कंपनी आप उसको बोल सकते हो। और उस कंपनी का नाम आपको शायद ही पता होगा, और वो कंपनी की जो मार्केट शेयर है और इसकी जो मार्केट प्रेजेंस अगर मैं बात करूँ पूरे वर्ल्ड में तो बहुत ही ज़्यादा है। उसी कंपनी का हम एनालिसिस करने वाले, दैट इज KEI इंडस्ट्रीज का हम एनालिसिस करने वाले, जिसका जो बिजनेस है टोटली एंगेज है वायर एज वेल एज केबल के बिजनेस के अंदर। और जो कंपनी फाउंड हुई थी 1968 में, और इसकी जो सब्सिडरीज है उसके अंदर से एक दो का नाम मैं बोलूंगा। दैट इज फर्स्ट KEI केबल्स ऑस्ट्रेलिया PTY लिमिटेड, एंड द सेकेंड वन इज द KEI केबल्स SA PTY लिमिटेड कंपनी। इस तरह की सब्सिडरीज इसके अंदर काम करती है, तो उसी कंपनी का हम एनालिसिस करने वाले। कंपनी के बारे में हम जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, और मार्केट में अगर मैं बात करूं कि करंटली आपको कंपनी किस तरह का प्रॉफिट कमा रही है, किस तरह की कंपनी की प्रमोटर्स होल्डिंग है, किस तरह का मार्केट में इसका शेयर ट्रेड हो रहा है, आपको इस समय में इस शेयर में आपको निवेश करना चाहिए या नहीं, तो उस हर चीज़ के बारे में हम बात करने वाले यही वीडियो में। सो आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके सामने हर कंपनियों का अच्छे से अच्छे एनालिसिस ला सके, ताकि आपको पता चल सके कि आपको किस कंपनी में निवेश करना चाहिए और कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या फिर स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से आपको किस तरह से उसमें ट्रेड लेना है वो आपको पता चल सके। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम नॉर्मली कंपनी के बारे में बात करें, KEI इंडस्ट्री जो कंपनी है वो टोटली किसके ऊपर एंगेज है, दैट इज फर्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ पावर केबल्स फॉर रिटेल एज वेल एज इंस्टीट्यूशनल सेगमेंट्स। दैट इज मतलब क्या हो गया, जो भी केबल्स बनते हैं, मतलब वायर्स फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पज, कंस्ट्रक्शन के लिए, या फिर कोई बिल्डिंग बन रही है, या फिर कोई भी पर्पज़ के लिए, अगर समझ लो कोई भी नया प्रोजेक्ट बनता है तो उसके अंदर जो वायरिंग का जो बिजनेस होता है, वायरिंग का जो काम होता है वो बहुत सारे सेगमेंट में किया जाता है, तो उसके अंदर जो उसका जो काम है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज मार्केटिंग का जो काम है वो है KEI इंडस्ट्रीज का। अब हम इसके थोड़े बहुत रेशियोज देख लेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि आपको करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से आपको इस शेयर में अभी निवेश करना चाहिए या नहीं। सो हम देखेंगे कि सेक्टर का जो पी रेशियो है वो है 35.23, डेट इज ऑलमोस्ट डबल ऑफ द शेयर पी रेशियो, डेट इज 16.1 का पी रेशियो इस शेयर का, डेट इज KEI इंडस्ट्री का, जबकि अगर आप कंपेयर करते हो सेक्टर के पी से तो वो आपको काफ़ी महंगा देखने को मिल रहा है। डेट इज एंड पॉजिटिव इंडिकेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन दिस कंपनी। सेक्टर का पीवी रेशियो देखिए तो वो है 3.55, डेट इज सेक्टर प्राइस टू बुक वैल्यू इज मोर देन द पीवी रेशियो ऑफ द कंपनी, डेट इज 2.91 का जो पीवी रेशियो है वो इस कंपनी का, डेट इज अगेन अ पॉजिटिव इंडिकेशन। बट अगर आप इस शेयर में निवेश भी करते हो तो मेरा ऐसा मानना है कि आप इस शेयर में डिविडेंड पर्पज से आप इसमें इन्वेस्ट मत करिए, बल्कि अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक ग्रोथ दिखे इस शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दैट इज सेक्टर डिविडेंड हम देखेंगे तो वो है 1.12%, जबकि इसका इस शेयर का जो डिविडेंड यील्ड है वो है 0.30% के अंदर। जबकि एक बात कर ले कंपनी, तो कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी जिसका जो मार्केट कैप है वो है 4,403 करोड़ रुपीज़ का, कंपनी का स्मॉल कैप, डेट इज़ मार्केट कैपिटलाइजेशन, डेट इज़ नंबर ऑफ शेयर इनटू जो भी इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो, और स्टॉक की जो रैंकिंग है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से तो वो है इसकी 400 नंबर की इसकी रैंकिंग है। तो अगर अभी तक आपको पी रेशियो एज वेल एज पी वी रेशियो का मतलब नहीं पता हो तो आप हमारे चैनल को गो थ्रू कर सकते हो और आप पी एज वेल एज पी वी रेशियो का मतलब जान सकते हो, बिकॉज वो बहुत ही अच्छा इंडिकेटर होता है आपको समझने के लिए कि आपको किस शेयर में बाइंग बनानी चाहिए। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की तरफ चलते हैं कि कंपनी किस तरह से मार्केट में रेवेन्यू कमा रही है और किस तरह से मार्केट में कंपनी प्रॉफिट कमा रही है। दैट इज 2017 से लेकर 20 तक देखेंगे तो जो आपको ट्रेंड देखने को मिल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा देखने को मिला। दैट इज आपको एक इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिला फ्रॉम द ईयर 2017 टू 2020। 2019 की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 4.23,000 करोड़ रुपीस का, जो कि इस साल इवन इन द पेंडेमिक सिचुएशन कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें आपको कोई भी डाउनफॉल देखने को नहीं मिला। दैट इज 4.9,000 करोड़ रुपीस का कंपनी का रेवेन्यू हुआ इस साल भी, जो कि हम बात करें पिछले साल जो कंपनी का प्रॉफिट था वो था 0.18,000 करोड़ रुपीज़, जो कि उसके पिछले साल था 0.14,000 करोड़ रुपीज़, जो कि इस साल बढ़कर हो चुका ऑलमोस्ट 70 करोड़ रुपीज़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़कर हो चुका 0.25,000 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का प्रॉफिट हुआ। वो आपको बताता है कि कंपनी जो ग्रोथ है वो एक स्टेगनेंट, और हर साल कंपनी एक अच्छा खासा अपना जो भी पिछले साल का जो रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब एज वेल बात कर रहे थे कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट के बारे में, तो कंपनी का जो भी पिछले साल जो रिकॉर्ड हो रहा है उसको अगले साल वो बीट कर रही है और अच्छा रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिट कंपनी कमा रही है।
कंपनी की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में अगर मैं बात करूँ तो कंपनी की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो बहुत ही ज़्यादा, आप ज़्यादा अच्छी भी नहीं बोल सकते, एकदम ज़्यादा खराब भी नहीं बोल सकते, बिकॉज जो कंपनी जो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है वो है 40.34%, जबकि म्यूचुअल फंड होल्डिंग है 21.99%, DII की कोई भी होल्डिंग नहीं है, FII की होल्डिंग है मोर देन 10%, दैट इज 13.96%, दैट शोज दैट द कंपनी के अंदर इन फ्यूचर आपको नया ग्रोथ या फिर एक बड़ा सा ग्रोथ आपको इस कंपनी में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से आपको इसमें देखने को मिल सकता है। और रिटेल और अदर इन्वेस्टर, दैट इज मतलब आप जैसे और मेरे जैसे जो भी इसके अंदर रिटेल क्वांटिटी या फिर छोटी क्वांटिटी में आप इसमें बाइंग करते हो तो वो इसके अंदर इन्वेस्टर्स है 23.69% जो होल्डिंग है वो है रिटेल एज वेल एज अदर पार्टी का इन्वेस्टमेंट। अब मैं बात करता हूँ कि मुझे प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी कम एट्रेक्टिव क्यों लगी, बिकॉज अगर हम बात करते हैं सेप्टेम्बर क्वार्टर की, डेट इज 2019 के सेप्टेम्बर क्वार्टर की अगर मैं बात करूँ तो उस टाइम जो कंपनी की जो टोटल प्रमोटर होल्डिंग थी वो थी 45.59%, जो कि इस क्वार्टर में गिरकर हो चुके ऑलमोस्ट 5% गिरकर हो चुके 40.34%, जो कि कम हुई है कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर सेप्टेम्बर क्वार्टर। तो मैं बात करता हूँ कि कंपनी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो कम हुई है, बट फिर भी अगर समझ लो कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग इन फर्दर फ्यूचर अगर समझ लो बढ़ती है तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करने से आपको नहीं रुकना चाहिए, बिकॉज कंपनी बहुत ही अच्छी है और अच्छा परफॉर्म भी कर सकती है, बिकॉज कंपनी एक स्टैग्नेंट वे में अच्छा खासा रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिट कंपनी कमा रही है। अब हम कंपनी का रेवेन्यू स्टेटमेंट कंपेयर कर लेंगे दो भाग में, जैसे फर्स्ट इज टोटल इनकम एंड द सेकंड वन इज द नेट प्रॉफिट, कंपनी बॉटम लाइन एज वेल एज टॉप लाइन हम कंपेयर करेंगे। जैसे कंपनी का जो टॉप लाइन था उसके अंदर सेल्स की हम बात करें जो कि 2020 क्वार्टर में जो कि कंपनी का सेल हुआ था वो था 1258 करोड़ रुपीज़ का, जो कि जून क्वार्टर में थोड़ा सा गिरकर हो चुका था 745 करोड़ रुपीज़, और इस क्वार्टर में बढ़कर फिर से हो चुका है 1036 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया। और अदर इनकम जो कि मार्च क्वार्टर में थी 2 करोड़ रुपीज़, जून क्वार्टर में 8 और इस क्वार्टर में हुई है 3 करोड़ रुपीज़, जो कि टोटल इनकम को बताता है। मार्च क्वार्टर में 1260 करोड़ रुपीज़, जून क्वार्टर में 753 करोड़ रुपीज़ और इस क्वार्टर में 1040 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का टोटल रेवेन्यू कंपनी का हुआ है। ऑल तो कंपनी का जो रेवेन्यू है कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको देखने को मिला। डेट इज कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च क्वार्टर में 62 करोड़ रुपीज़, जून क्वार्टर में 36 करोड़ रुपीज़ और इस क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो है 68 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ है कंपेयर टू मार्च क्वार्टर। ऑल तो उस टाइम पे जो कंपनी का रेवेन्यू था वो बहुत ही ज़्यादा था, बट फिर भी कंपनी ने जो प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट किया है वो कंपनी का सेप्टेम्बर क्वार्टर में हुआ है, बिकॉज मार्च क्वार्टर में जो था कंपनी का जो मार्च क्वार्टर था उस टाइम जो कंपनी का जो टोटल एक्सपेंडिचर थे वो बहुत ही ज़्यादा थे कंपेयर टू द सेप्टेम्बर क्वार्टर, डेट इज 932 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है इन द सेप्टेम्बर क्वार्टर। डेट इज जून क्वार्टर में हुआ है कंपनी का 687 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर कंपनी ने बेयर किया है। अब हम कंपनी के रेशियोज कंपेयर कर लेंगे तो रेशियो किस तरह का इंडिकेशन दे रहे हैं कंपनी में निवेश करना चाहिए या नहीं, आपको किस तरह से इसमें बाइंग बनानी चाहिए। तो हम देखेंगे सबसे पहले जो रेशियो निकल कर आता है वो है कंपनी का EPS, दैट इज अर्निंग पर शेयर, कंपनी कितने पे कितना पैसा कमा पा रही है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। दैट इज अगर हम EPS का अगर हम कंपेरिजन करें 2018 मार्च क्वार्टर से तो वो था 18.54 रुपीज़, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 22.98 और इस क्वार्टर में और ज़्यादा बढ़कर हो चुका है 31.65 रुपीज़ का कंपनी का EPS हो चुका है। दैट शोज दैट कंपनी इज वर्किंग हाई, मतलब कंपनी जो है वो बहुत ही अच्छा ज़्यादा परफॉर्म कर रही है टूवर्ड्स द ग्रोथ एज वेल एज द प्रॉफिटेबिलिटी। कंपनी की बुक वैल्यू के बारे में बात करें तो बुक वैल्यू भी कंपनी काफ़ी ज़्यादा एट्रैक्टिव देखने के लिए, कंपेयर करें सबसे पहले मार्च क्वार्टर में तो वो थी 77.17, जो कि 19 मार्च में हो गई थी 98.57 और इस साल हो चुकी है 168.38 रुपीज़ की कंपनी की बुक वैल्यू हो चुकी है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होती है एज वेल एज पॉजिटिव इंडिकेशन है कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बिकॉज अगर समझ लो कंपनी की जो एसेट्स है वो बढ़ती है कंपेयर टू द लायबिलिटी तो कंपनी जो बुक वैल्यू उसमें आपको अच्छा खासा अपट्रेंड देखने को मिलता है। बट इस कंपनी का जो अपट्रेंड है वो ऑलमोस्ट 80% की जो कंपनी की जो बुक वैल्यू है उसमें आपको देखने को मिल रहा है, डेट इज बहुत ही कम कंपनी में होता है कि जो कि बुक वैल्यू है कंपनी की वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ पाती है। इस कंपनी के बारे में बात करते हो ऑलमोस्ट 80-85% कंपनी जो बुक वैल्यू है वो इंक्रीज हुई है कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। और डिविडेंड पर शेयर की बात करें तो 2018 में 1 रुपीज़, 2019 में 1.2 रुपीज़ और इस साल 1.5 रुपीज़ का कंपनी ने डिविडेंड पे आउट किया है अपने शेयर होल्डर्स को।
अब हम कंपनी के रेशियोज कंपेयर कर लेंगे, दैट इज मार्जिन रेशियोज। तो मार्जिन रेशियो में सबसे पहला जो रेशियो निकल कर आता है वो है कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, सेकंड वन इज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज या फिर ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज, एंड द थर्ड वन इज द नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। तो सबसे पहले जो रेशियो है वो है कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। तो कंपनी करंट ईयर में जितना भी ग्रॉस प्रॉफिट कमाती है उसके ऊपर कंपनी का जितना भी सेल हुआ होता है उसका जो भी परसेंटेज फॉर्म निकल कर आता है वो होता है कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। तो अगर समझ लो वो कंपनी का इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो तो कंपनी के लिए एक अच्छी बात होती है, कंपनी में इन्वेस्टमेंट या फिर एक एंटर करने के लिए एक अच्छा टाइम होता है फॉर द लॉन्ग टर्म। जो कि 2018 में थी कंपनी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 10.05%, 19 में 10.58 और इस साल हो चुके 10.51 के परसेंटेज फॉर्म में। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करूं तो कंपनी कितना एफिशिएंटली काम कर पाती है ऑन डेली बेसिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कैश बेसिस पे कंपनी कितनी अच्छी तरह से ऑपरेट कर पाती है, क्या एफिशिएंसी है कंपनी की, क्या कैपेसिटी है, तो वो आपको बताता है कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। जो कि 2018 में था कंपनी का 9.12%, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 9.78 और इस साल हो चुका है 9.35%। ऑल्सो अगर समझ लो इस साल का जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है वो अगर समझ लो 9 से ज्यादा नीचे जाता तो आपको इसमें सोचने की बात होती, बट जो कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज है वो मोर देन 9% है, डेट शोज अ इंक्रीजिंग या फिर एक अच्छा खासा ट्रेंड कंपनी में बता रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करें तो नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज शोज करंट ईयर में कंपनी का जितना भी नेट प्रॉफिट होता है कंपेयर टू द कंपनी का जो भी नेट सेल्स होता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू द करंट ईयर, तो वो आपको जो रेशियो फॉर्म जो परसेंटेज होता है वो होता है कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। अगेन अगर वो भी नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज भी कंपनी का अगर समझ लो इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो तो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना बनता है। जो कि 2018 में था कंपनी का 4.17%, 19 में 4.27 और इस साल जो कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से बढ़कर हो चुका है 5.24% फॉर्म में। कंपनी के अब रिटर्न रेशियोज कंपेयर करेंगे तो रिटर्न रेशियोज में सबसे पहला जो रेशियो है वो है कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज, सेकेंड वन इज द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड द थर्ड वन इज द रिटर्न ऑन एसेट्स परसेंटेज। सो सबसे पहला जो रेशियो है वो है कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज। तो कंपनी के मार्केट में जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनके इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी करंट ईयर में कितना प्रॉफिट कमा पाती है, कितना रिटर्न कंपनी प्रोवाइड कर पाती है, वो होता है कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज। तो वो 2018 में 23.93%, जो कि 19 में 23.24% और इस साल गिरकर हो चुका है 17%। इस साल इतना ज़्यादा ऑल दो कंपनी ने बहुत ही अच्छा रिटर्न कंपनी ने कमाया है, बट जो कंपनी का जो रिटर्न रेशियो है उसमें आपको इस साल थोड़ा डाउन ट्रेंड देखने को मिला, बिकॉज कंपनी की जो मार्केट में शेयर है वो बढ़ गए थे इस साल। मैं बात करूँ कंपनी ने जो प्रमोटर्स होल्डिंग थी कंपनी की, मैंने आपको बोला कि इस साल जो कंपनी जो टोटल प्रमोटर होल्डिंग थी उसमें तो 5% कम हुई है, तो जो नंबर ऑफ शेयर्स थे मार्केट में ट्रेड के लिए वो बढ़ चुके थे, उसके कारण ही जो कंपनी का जो रिटर्न रेशियोज आपको देखने को मिल रहा है वो थोड़ा आपको नेगेटिव ट्रेंड में आपको देखने को मिल रहा है करंट ईयर की बात करूँ तो। बट ऑल्दो कंपनी फिर से अगले साल फिर से अच्छा खासा कंपनी रेशियो सॉरी रिटर्न रेशियो दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज को मेंटेन कर पाएगी, ऐसा मेरा मानना है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज कंपनी अपने बिजनेस में जितना भी पैसा इन्वेस्ट करती है फॉर एक्सपेंशन या ग्रोथ के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए या फिर कोई प्रोडक्ट क्रिएशन के लिए कंपनी अपने बिजनेस में जितना भी पैसा इन्वेस्ट करती है उनके इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी कितना रिटर्न कमा पाती है, वो होता है कंपनी का ROCE परसेंटेज। तो वो 2018 में 39.7%, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 43.55% और इस साल गिरकर हो चुका है 28.27 के परसेंटेज फॉर्म में। रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो कंपनी के मार्केट में जितने भी एसेट्स हैं क्लासिफाइड इन द ईयर 2000 मार्च 2020, जितने भी कंपनी के एसेट्स हैं उनके एसेट्स के ऊपर कंपनी कितना प्रॉफिट कमा पा रही है, उनके एसेट्स के ऊपर कंपनी कितना प्रॉफिट कमा पा रही है, वो होता है कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट्स परसेंटेज। वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इन्वेस्टर्स या म्यूचुअल फंड हाउसेज, बिकॉज को अगर समझ लो कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है तो कंपनी के बारे में जानेंगे कि कंपनी के समझ लो 100 रुपीज़ के एसेट हुए तो उन 100 रुपीज़ के एसेट के ऊपर कंपनी कितना प्रॉफिट कमा पा रही है, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जो कि 2018 में था कंपनी का 6.52%, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 6.54 और इस साल हो चुका है 7.84 के परसेंटेज फॉर्म में।
लिक्विडिटी रेशियोस देखेंगे तो लिक्विडिटी रेशियो में सबसे पहला जो रेशियो है वो है कंपनी का करंट रेशियो। करंट रेशियो जो कि आइडियली होता है 2:1 के फॉर्म में, अगर 2:1 के फॉर्म से अगर समझ लो 2:2 से ज्यादा के रेशियो फॉर्म में हो तो उसके लिए एक नेगेटिव इंडिकेशन हो सकता है। अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी ने अपने जो करंट रेशियो है वो मेंटेन रखा है, बिकॉज जो कि 2018 में था कंपनी का 1.24 जो कि 19 में गिरकर हो चुका था 1.23 और इस साल हो चुका है 1.63। क्विक रेशियो की बात करें तो क्विक रेशियो आपको बता दें कंपनी किस तरह से एफिशिएंटली कंपनी क्विक लायबिलिटी को पे ऑफ कर सकती है, तो जो कि आइडियली होना चाहिए 1:1 के रेशियो में, बट अगर उससे ज़्यादा भी हो तो कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होती है। जो कि 2018 में था कंपनी का क्विक रेशियो 0.85, 19 में 0.84 और इस साल जो कंपनी का क्विक रेशियो है वो बढ़कर हो चुका है 1.1 के रेशियो फॉर्म में। लेवरेज रेशियोज देखेंगे तो लेवरेज रेशियोज भी कंपनी काफी ज्यादा एट्रेक्टिव लग रहे हैं मुझे। डेट इज डेट टू इक्विटी रेशियो की अगर मैं बात करूं तो डेट इज कंपनी की कितनी मार्केट में डेट है कंपेयर टू द कंपनी जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर्स है वो, तो जो कि 2018 में थी कंपनी की डेट टू इक्विटी 1.24, 19 में कम होकर हो चुकी थी 0.65 और इस साल 3 गुनी कम होकर हो चुकी है 0.21 के रेशियो फॉर्म में। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की अगर कंपनी का अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो तो अच्छी बात होगी। डेट इज कंपनी की जितनी भी करंट इंटरेस्ट अर्निंग सॉरी करंट इंटरेस्ट पेमेंट होता है, अगर कंपनी जो भी करंट सॉरी इनकम होती है वो इनकम को कंपनी किस तरह से पेमेंट कर पाती है, कितनी कैपेसिटी है कंपनी की पेमेंट करने की, क्या कैपेसिटी है कंपनी की, वो आपको बताया कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो कि 2018 में था कंपनी का 2.83 के परसेंटेज फॉर्म में, 19 में 3.05 और इस साल और बढ़कर हो चुका है 3.54 के परसेंटेज फॉर्म में। अब कंपनी के ग्रोथ रेशियो देखेंगे तो ग्रोथ रेशियो को हम कंपेयर करेंगे कंपनी के CAGR से, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न से, जो कि बात कर लेते हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू द सेल्स, तो वो था 2018 में 30.56, 19 में 34.15 और इस साल बढ़कर हो चुका है 36.37 के रेशियो फॉर्म में सॉरी परसेंटेज फॉर्म में। कंपनी के CAGR फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी का 2018 में था CAGR 105.61 जो कि 19 में 69.99 और इस बार हो चुका है 65.29 के परसेंटेज फॉर्म में। ये तो बात कर ली हमने कंपनी के जो भी रेशियोज थे उनके बारे में, अब कंपनी के जो भी बिजनेस सेगमेंट है वो हम देख लेंगे कि कंपनी कौन कौन से सेगमेंट में कंपनी काम करती है और किस तरह से कंपनी रेवेन्यू और प्रॉफिट कमाती है। तो सबसे पहले हम सेगमेंट वाइज रेवेन्यू मिक्स देखेंगे तो उसके अंदर जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो आपको देखने को मिल रहा है इंस्टीट्यूशनल HT LTN अदर केबल्स HEV केबल्स EHV केबल्स EPC सर्विसेज, इस तरह की जो भी सर्विसेज या फिर केबल्स जो कंपनी प्रोवाइड करती है उसके थ्रू कंपनी का जो बिजनेस है वो है 53%, रिटेल बिजनेस है इसका 29% और एक्सपोर्ट के थ्रू जो कंपनी का जो बिजनेस है वो होता है 18%। कंट्रीब्यूशन टू रेवेन्यू मतलब कौन कौन से केबल से या फिर कौन कौन से प्रोडक्ट से कंपनी किस तरह से इनकम कंपनी कमा पाती है वो भी हम देखेंगे। डेट इज फर्स्ट इस दैट इज EHV केबल से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो है 435 करोड़ रुपीज़, LT पावर इंस्ट्रूमेंटल रबर केबल से 2041 करोड़ रुपीज़, HT केबल से 673 करोड़ रुपीज़, HW एंड WW केबल से 852 करोड़ रुपीज़, SS वायर से 137 करोड़ और EPC दैट इज एक्सक्लूडिंग केबल्स से जो कंपनी का जो बिजनेस होता है वो है 764 करोड़ रुपीज़। ऑल दो जैसे कि कंपनी है केबल की तो बहुत सारे केबल कंपनी प्रोवाइड करेगी ही, बट अच्छी बात यह है कि कंपनी के बहुत सारे मार्केट में कॉम्पिटिटर्स भी है, उसमें से सबसे पहला जो नाम आता है वो है फिनोलेक्स केबल, यूनिवर्सल केबल्स, हिंदुस्तान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, अल्ट्रा कैब लिमिटेड कंपनी, पैरामाउंट कम्युनिकेशन लिमिटेड केबल्स, तो उस तरह की कंपनीज भी है जो मार्केट में इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, बट उन सब में से सबसे अच्छा जो परफॉर्मेंस मुझे लगा वो है कंपनी का नाम दैट इज KEI इंडस्ट्री का जो परफॉर्मेंस है इन द फील्ड ऑफ द केबल्स या फिर केबल्स के रिलेटेड जो भी कंपनी जो बिजनेस करती है उसके लिए सबसे अच्छा जो बिजनेस लगा मुझे वो है कंपनी दैट इज KEI इंडस्ट्रीज का। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये जो कंपनी है वो सिर्फ इंडिया या फिर एक नेशन वाइज कंपनी नहीं है, बट ये कंपनी पूरे वर्ल्ड में भी काम कर, डेट इज 45 कंट्रीज में कंपनी का फुटप्रिंट, डेट इज 45 कंट्रीज में कंपनी अपने जो भी प्रोडक्ट्स है मार्केट में जो बनाती है वो एक्सपोर्ट भी करती है अलग अलग कंट्रीज में, उसके थ्रू भी कंपनी का अच्छा खासा रेवेन्यू हो जाता है। अब हम फाइनेंशियल हाइलाइट्स देखेंगे कि कंपनी जो भी पिछले साल से कितना परसेंटेज ऑफ ग्रोथ आपको देखने को मिला है। डेट इज फर्स्ट इज पिछले साल जो कंपनी का जो सेल हुआ था वो था 4227 करोड़ रुपीज़ जो कि इस साल बढ़कर हो चुका है 4885
4 करोड़ रुपीज़। ग्रोथ देखेंगे EHV केबल के अंदर तो वो 130% बढ़ा है ऑन ईयर बेसिस। और EBITDA देखेंगे तो EBITDA पिछले साल था 449 करोड़ रुपीज़, जो कि इस साल बढ़कर हो चुका है 513 करोड़ रुपीज़। और ग्रोथ देखेंगे नेट सेल्स के अंदर तो वो पिछले साल से इस साल 16% बढ़ा है। एक्सपोर्ट के अंदर 69% ग्रोथ दिखी है पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें तो। और EBITDA जो बढ़ा है वो 14% कंपनी का EBITDA बढ़ा है, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अब हम कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि पिछले साल था 182 करोड़ रुपीज़, जो कि इस साल बढ़कर हो चुका है 255 करोड़ रुपीज़, जो कि पिछले साल से अगर मैं बात करूँ इस साल तो वो ऑलमोस्ट 40% जो कंपनी का PAT है, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो बढ़ा है। और जो कंपनी का जो भी लैंडमार्क ऑर्डर रिसीव फ्रॉम तमिलनाडु ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो आपको पता होगा कि ये भी एक कंपनी है जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट उसके अंदर भी जो कंपनी का जो सेल है वो बढ़कर हो चुका है। किस तरह का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया, उसके अंदर 148 करोड़ रुपये से कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है। उसके अंदर से जो कंपनी जो ऑर्डर बुक है वो मेंटेन हो चुकी है, दैट इज मई 31st की बात करो तो 3207 करोड़ रुपीज़ की कंपनी की ऑर्डर बुक है। और एम्प्लॉयज 2400+ एम्प्लॉयज एज ऑन मई 31st 2020। एंड कैपिटल रेज कंपनी ने बीच में QIPB किया था, दैट इज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट की थी, उसके अंदर भी कंपनी ने 500 करोड़ रुपीज़ रेज किया है। और डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में कंपनी के कितने ज़्यादा पार्टनर जो है इनके साथ जुड़े हुए, दैट इज 1650 कंपनी के पार्टनर्स कंपनी से लिंक या फिर जुड़े हुए, उसके थ्रू भी कंपनी का अच्छा खासा रेवेन्यू हो जाता है। ये तो बात कर ली हमने अब कंपनी के बारे में। अब कंपनी का जो शेयर है करंटली वो मार्केट में कितने पे ट्रेड हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दैट इज अगर मैं आज की बात करूँ, दैट इज थर्सडे क्लोजिंग 31st December 2020, आज का दैट इज इस साल का लास्ट डे है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्टॉक होगा। इसमें आप निवेश करिए, आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट, दैट इज 2021 December की बात करूँ तो जो कि इसका जो आज हाई है, अगर इसका जो फाइव ईयर हाई देखे तो वो है 614.65 रुपीज़, अगर इसकी आज क्लोजिंग देखे तो वो है 476.75 रुपीज़। अगर आप कभी भी इस शेयर में आप इन्वेस्ट करते हो, करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से भी आप इसमें बाइंग करते हो, तो आपको एक जो भी इसका जो हाई है, फाइव ईयर का जो हाई है, उससे आपको 30-40% आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। आप एक अच्छे खासे लेवल तक या फिर एक अच्छे खासे प्राइस मूवमेंट तक आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो। बट फिर भी अगर आपको थोड़ा वेट करना हो या फिर एक अच्छे प्राइस मूवमेंट पे एंटर लेना हो, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप अगर आपको ये शेयर 440 या 430-20 के लेवल पे आपको इसमें बाइंग मिल जाए तो आप इसमें बाइंग स्टार्ट कर सकते हो। ऑल्दो अगर आपको इसमें बल्क बाइंग या फिर एक अच्छी खासी क्वांटिटी में बाइंग करनी हो, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हो कि ये जो KEI इंडस्ट्रीज कंपनी है वो किस तरह की कंपनी, किस तरह का काम करती है। ऑल्दो हमने ये वीडियो में बता ही दिया है, बट फिर भी अगर आपको समझ लो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना हो, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए या फिर आप अपने खुद से रिसर्च करिए और आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो होप करता हूँ कि आपको KEI इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो भी हमने एनालिसिस किया हो वो आपको अच्छे से समझ गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के अंदर आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हो कि अगर आपको आपको वीडियो कैसी लगी हो। अगर आपको कोई और दूसरी कंपनी का भी एनालिसिस चाहिए हो तो उस कंपनी का भी नाम आप उधर जाके लिख सकते हो, तो उसका एनालिसिस भी हम आपके सामने जल्द से जल्द लाएंगे। सो थैंक यू।